सभी भाइयों को नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, स्वागत है आपके अपने जय सिंह यादव फार्म चैनल पर। साथियों, आज की कवरेज है भिवानी से बोलू डेयरी फार्म पे। और जब भी ताऊ जी के पास में आए हैं तभी एक से दो रोटियां कम से कम बहुत ही बढ़िया दूधारू और सुंदर पशुधन देखने को मिला है। और जो भी डिटेल है ताऊ जी से लेंगे। और जो भी भाई पहली बार चैनल से जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन घंटी को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आप भाइयों तक पहुंच सके तरफ। तो नमस्कार ताऊ जी। नमस्कार जय सिंह भाई, आपको भी आपके दर्शकों को देखने वाले सभी दर्शकों को राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद ताऊ जी। तो अपना एड्रेस कन्फर्म करा दें एक बार जी। अपना एड्रेस है भाई दौड़ धर्मकांडा, जोध दौड़ धर्मकांडा। अच्छा अच्छा, कोट रोड, कोट रोड भिवानी, भिवानी। तो अपना कॉन्टेक्ट नंबर जी 80594-22236। तो ये ताऊ जी का नंबर है। तो बताना चाहूँगा लगभग 10 से 10:15 बजे का समय है और दिखाएंगे आप भाइयों को। और सबसे पहले यही मकसद है भी किसी के साथ में धोखा वगैरह ना हो और पूरी जानकारी दी जाए। ये देख पा रहे हैं 10:07 सुबह का समय है और जो भी डिटेल है अंकल जी से लेंगे। तो अंकल जी अपने घर की पाली हुई है या आप लेकर के आए थे? घर की पाली हुई है। तो कौन से ब्यात में है? तो साथियों बताना चाहूँगा कि जब पहली वीडियो अपने चैनल पे ताऊ जी के यहाँ से लगी थी उस वीडियो में भी ये जोटी आप भाइयों को नज़र आएगी। कोई भी भाई अपने पीछे की वीडियो उठा करके देख सकते हैं। भी कई भाई ये सोचते हैं भी झूठ बोल रहे हैं, घर की पाली हुई है, नहीं है और कहीं लेकर के आए थे। तो ये ताऊ की घर की पाली हुई है। तो कौन से ब्यात में जी? तीसरे ब्यात में। ये देख पा रहे हैं बहुत ही शानदार लंबा चेहरा है और शरीर पे जस्ता हुआ सींग। और जो गर्दन की बात करें थोड़ा खोल लें भाई जी। ये देख पा रहे हैं बहुत ही बढ़िया गर्दन लंबाई और आराम से लेके चलें। बहुत ही बढ़िया जो पीठ की बात करें ये देख पा रहे हैं और बहुत ही बढ़िया अडर यहाँ पे बफोलो के नीचे देखने को मिला। बहुत ही बढ़िया पशुधन, हाइट लंबाई बहुत ही शानदार। ये देख पा रहे हैं बहुत ही बढ़िया गैप बन के आएगा जब पूरी बिक पे आएगी बफोलो, बहुत ही शानदार। और आगे का गैप ये देख पा रहे हैं। तो ताऊ जी प्रेग्नेंट है दोटी है, तो कितना समय बच्चा देने में शेष है जी? एक हफ्ता ताऊ जी ने बताया है। तो कौन से बुल से प्रेग्नेंट है जी आपकी बारी? HLDB के सीमन से प्रेग्नेंट है। बहुत ही बढ़िया ये देख पा रहे। जब ताऊ जी ये बच्चा देखती है उस समय इसका अर्डर कितना हो जाता है ताऊ जी? अच्छा अच्छा, ताऊ जी ने बताया भी बहुत ही बढ़िया भारी भर का अर्डर बनता है। तो ये देख पा रहे हैं स्लेटें भी ढीली है, थोड़ी पीठ क्वालिटी का पशुधन ताऊ के यहाँ पे देखने को मिला। तो कितना कुछ दूध निकाला ताऊ जी? दूध इसे 22 किलो का कंडा कराया पिछले ब्यात में। अच्छा अच्छा, दूसरे ब्यात में 22 किलो दूध कट्टे का तोड़कर निकाला है। तो अब की बार क्या कुछ उम्मीद है जी? लगभग 25 किलो दूध की उम्मीद। 25 उम्मीद पर तो उम्मीद 25 किलो की कर रहे हैं ताऊ जी। तो ताऊ जी आजकल है ना सिस्टम बहुत आउट हो रहा है, अभी
कई कमेंट भी आते हैं भी जो 24-25 किलो दूध का जो पशुधन है वो निकालता नहीं है और वैसे ही बोल देते हैं, तो कोई भाई दो टाइम तुलवा के देंगे, कोई बात, कोई भी भाई इस पशुधन को लेना चाहे, अब लेना चाहे और रेट आपको 25 किलो का करें तो आप उसको 25 किलो तोल करके दे सकते हैं। हाँ दे सकते हैं, बिल्कुल गारंटी शुदा। तो ताऊ ने बिल्कुल साफ स्पष्ट बताई भी कोई अबले या ब्याने के बादले 25 किलो काटे का तोल का दूध तैयार करके उपलब्ध इस पशुधन को करा देंगे। तो बहुत ही बढ़िया पशुधन है और मुठिया थन है, अडर पे उभरती हुई नशे ये देख पा रहे हैं और बहुत ही बढ़िया। और जो टैल की बात करें ये देख पा रहे हैं बिल्कुल जेड ब्लैक टैल है और बहुत ही शानदार पशुधन, बहुत ही बढ़िया। तो दांतों में तो भरी होगी ना, दांतों में भरी हुई है, तो दांतों में भरी हुई है, बहुत ही बढ़िया। तो अंकल जी इसका रेट, जी रेट मौके का होगा, रेट मौके का। तो कई भाइयों का कमेंट आ जाता है भी रेट मौके का भी, कोई भाई रेट नहीं बताता तो उसकी वीडियो कवर न करें। तो कई भाई परेशान हो जाते हैं भी, आपको भी परेशानी होती है और भाइयों को भी परेशानी होती है। तो ताऊ जी का भी कहना बिल्कुल जायज है भी रेट मौके का भी, फिलहाल कोई भाई लेता है तो अलग रेट होगा और ब्याने के बाद अलग रेट होगा, और दूध तैयारी पे कोई भाई लेगा तो वो रेट अलग होगा। तो ताऊ जी अगर इस बफोलो को कोई भाई अब लेना चाहे फिलहाल, तो फिलहाल कितने रुपए की सेल? फिलहाल इसके 2.25 लाख रुपए, फिलहाल 2.25 लाख रुपए ताऊ जी ने डिमांड की है फिलहाल मौके पे। और बाकी रेट ब्याने के बाद है वो अलग होगा, और 25 किलो ताऊ दूध तोल करके दे देंगे। कोई भाई अपना पहले साई वगैरह देता है तो पहले अपने ताऊ जी के पास में आए, पशु को देखें और फिर इसका मोल भाव करें। और कोई भाई अपना 25 किलो दूध का भाव के हिसाब से भी ले सकता है और फिलहाल मौके के हिसाब से भी ले सकता है। तो बहुत ही शानदार ताऊ के यहाँ पे देखने को पशुधन मिला। तो 2 नंबर पे ये जो देख पा रहे हैं बहुत ही सुंदर कटड़ा है, तो इसके बारे में ताऊ जी बताएं। ये इसी जोटी का है भाई। अच्छा इसी जोटी का है, इसी जोटी का है। अच्छा 30 मार्च को 12 महीने का हो गया पूरा। 30 मार्च को 12 महीने का हो गया, आज तारीख है 31 तारीख, 12 महीना 1 दिन का, 12 महीने 1 दिन का कटड़ा ये देख पा रहे हैं, बहुत ही शानदार। तो ताऊ जी जब ये दूध वगैरह कितना पिलाया ताऊ जी इसको, जब लगभग महीने 1.5 महीने का था तब? भाई कम से कम 2.5 किलो टाइम का पिला, 2 से 2.5 किलो टाइम का दूध। लंबी गर्दन है और पीठ की बात करें देख पा रहे हैं बहुत ही बढ़िया, जो टेस्टिकल जरूर दिखाना चाहूँगा ये देख पा रहे हैं। सुबह का समय है, सूखड़ा हुआ नजर आ रहा है, पीछे की तरफ डलता हुआ और बहुत ही सुंदर टेस्टिकल लगा है। जो टैल की बात करें बिल्कुल बारीक नरम और बिल्कुल जेड ब्लैक ये देख पा रहे हैं, बिल्कुल नरम टैल है। और पैरों की बात करें ये देख पा रहे हैं बिल्कुल सीधे पैर और बिल्कुल छोटा सींग लगा है। थोड़ा इधर करें चारा जी, ये देख पा रहे बिल्कुल छोटा सींग लगा है, बहुत ही शानदार। और हाइट लंबाई बहुत ही बढ़िया, अपने आने वाले समय में बहुत ही शानदार कटड़ा तैयार होगा। तो ताऊ जी इसकी डिटेल बताएं भी कौन से बुल का है ये? अर्जुन कुंगड़ का, जो पवन भाई के पास में नेशनल चैंपियन बुल अर्जुन कुंगड़, उस बुल का ये कटड़ा है, बहुत ही शानदार। तो इसकी माँ ने 22 किलो दूध पिछले बैच में निकाला है, तो बहुत ही शानदार। तो इसका भी सेल करने का इरादा है क्या? हाँ सेल कर देंगे, कोई शौक नहीं है। अच्छा अच्छा, क्या कुछ रेट रखा है जी? इसके 40,000 रुपये की, मतलब 40,000 रुपये अंकल जी ने रेट रखा है, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल जायज कीमत रखी है भी। लगभग 2 से 2.5 किलो टाइम का दूध, यानी कि 5 किलो दूध रोज का पिलाया, तो दूध के भी पेमेंट पूरी नहीं होती। तो बहुत ही शानदार पशुधन दिखाया अंकल जी ने, बहुत ही बढ़िया। जो 3 नंबर पे पशुधन है उसकी डिटेल लेंगे।
ये देख पा रहे हैं बहुत ही शानदार बढ़िया बिल्कुल छोटा सींग लगा जो ठीक है। दांतों में कितने ताऊ जी? चार दांत है भैया, मुंह से चार दांत और लंबा चेहरा, बिल्कुल छोटा सींग लगा है देख पा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। तो पीठ की बात करें ये देख पा रहे हैं ताऊ जी, इसको लेकर के आए थे या घर की है? ये लेके आए हैं। अच्छा, लेकर के आए हैं। तो ये देख पा रहे हैं अड्रक की बात करें, पहले बैत की ताऊ जी हैं, पहले बैत की, बहुत ही बढ़िया और बढ़िया मुठिया थन लग गया है, बहुत ही शानदार। जो टैल की बात करें ये देख पा रहे हैं, थोड़ी छोटी है टैल दो जी, थोड़ी छोटी नजर आ रही है, ये देख पा रहे हैं घुटनों तक टैल है। जो भी बातें होंगी बिल्कुल साफ स्पष्ट होंगी। और जो अडर की बात करें आगे से ये देख पा रहे हैं, बहुत ही शानदार। तो शाम तक बहुत ही बढ़िया अडर बना करके आएगी जो टी, बिल्कुल पैरों का बीच का टाइट अडर, बहुत ही शानदार, हाइट लंबाई बहुत ही बढ़िया। तो ताऊ जी कितने दिन की बैई होगी ये? तीसरे दिन की बैई है। तीन दिन की बैई है, तो साथ में कटड़ी है, कटड़ी है, साथ में कटड़ी है भी, खुद भी कटड़ी और साथ में भी कटड़ी ऑफर है मान सकते हैं। बिल्कुल एक इंच टैल सफ़ेद, बहुत ही बढ़िया। और जो तांदवा ये देख पा रहे हैं, चार दिन की बैई हुई है और बहुत ही सुंदर कटड़ी। तो ताऊ जी बताएं फिलहाल मौके पे खीस से खाली होते कितने दूध से उठी है? ये 11 लीटर है। 11 लीटर, लीटर है या काटे का जी? लीटर बताया ताऊ जी ने, 11 लीटर दूध से चार दिन की बैज में मौके पे तैयार है, बहुत ही बढ़िया। तो क्या कुछ कितना दूध निकाल देगी ताऊ जी? उम्मीद करते हैं 15 से 16 किलो दूध की अंकल जी उम्मीद कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। तो क्या कुछ रेट है जी, जायज से जायज रेट बताओ। जायज से जायज रेट है 1,35,000। 1,35,000 रुपये अंकल जी ने रेट रखा है, बहुत ही बढ़िया सुंदर रोटी है, साथ में कटड़ी और शाम तक बहुत ही बढ़िया ऑर्डर बना करके आएगी। ये देख पा रहे बहुत ही बढ़िया, बंदे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो लंबी हो रही है। तो बहुत ही शानदार पशुधन अंकल जी का। और भी पशुधन है क्या अपने बिक्री के लिए? ना, और बिक्री के लिए नहीं। तो अंकल जी का जो स्क्रीन पे नंबर देख पा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया पशुधन अंकल जी ने तैयार किया। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें साथियों। तो बहुत ही बढ़िया पशुधन रखा है, सभी भाइयों को राम राम, सत श्री अकाल, सलाम, जय जवान जय किसान।